वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। आपका अल्फा कंप्यूटर में स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर अल्फा कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। आज हम टैली ईआरपी 9 में उसके मेनू के बारे में पढ़ने वाले, टैली ईआरपी 9 में मेनू के बारे में। तो हम टैली ईआरपी 9 शुरू करते हैं। टैली ईआरपी 9 शुरू करने के बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में। कंपनी इन्फो, कंपनी इन्फो मतलब होता है कंपनी इंफॉर्मेशन, मतलब कंपनी से रिलेटेड जो हमें काम करना है वो हम कंपनी इन्फो नाम के मेनू में करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब क्या है कि किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करना है। भाई अगर आपकी ऑलरेडी कंपनी बनी हुई होगी तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट कंपनी में जाके आप अपनी कंपनी को ओपन, सिलेक्ट का मतलब होता है ओपन आप कर सकते हो। तो सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, एंटर मारेंगे, एंटर मारने के बाद आपकी जो भी कंपनी है आप यहां से उसको ओपन कर सकते हो। तो यहां देखिए हमारी कोई भी कंपनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले कंपनी बना लेंगे। तो कंपनी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां जाएंगे क्रिएट कंपनी में। तो क्रिएट कंपनी में एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको जिस नाम की कंपनी बनाना है आप उस नाम की कंपनी बना सकते हो। वैसे अगर आप यहां देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई आप जो कंपनी बना रहे हो वो कहां से हो रही है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या है, वो कहां से हो रही है। तो यहां देखिए कहां से हो रही है, सी में, सी कोलन बैक स्लैश मतलब सी ड्राइव में, टैली डॉट ईआरपी 9 के डाटा नाम के फोल्डर में आप अपनी कंपनी को सेव कर रहे हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मेरी कंपनी जो है मुझे यहां नहीं करना है, सी में नहीं करना है, सी में टैली ईआरपी 9 में डाटा नाम के फोल्डर में नहीं करना है, मैं कहीं और करना चाहता हूं, तो उसके लिए फिर आपको बैकस्पेस की बटन प्रेस करके, कीबोर्ड से बैकस्पेस मतलब जिससे हम कोई कैरेक्टर कट करते हैं उस बैकस्पेस की बटन को प्रेस करेंगे ऊपर आएगा, या आप यहां ऊपर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जहां सेव करना चाहते हैं आप वहां सेव कर सकते हैं। चलिए तो पहले हम एक काम करते हैं, यहीं पर सेव करेंगे, एंटर करेंगे। अब आपको किस नाम से कंपनी बनाना है, तो मैं एक काम करता हूं एबीसी नाम से कंपनी बनाता हूं। एबीसी नाम लिखेंगे कंपनी का, एंटर करेंगे। मेलिंग नेम, मेलिंग नेम का मतलब क्या है कि भाई आपको जो बिजनेस है किस नाम से शुरू करना है, किस नाम से आपको लेटर भेजना है, ईमेल भेजना है, या जिस नाम से आप व्यवहार करोगे वो नाम आपको यहां लिखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहे तो जो नाम है वही रहने दे सकते हैं, या आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे, जो भी आपको नाम लिखना है कंपनी का आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं। मैं काम करता हूं यहां, एक मिनट, अल्फा नाम लिखता हूं, अल्फा कंप्यूटर, ओके। उसके बाद अल्फा कंप्यूटर ठीक है, उसका एड्रेस गोलीबार चौक नागपुर, और हमारी दूसरी ब्रांच दही बाजार नागपुर, ये हमने लिख लिया, एंटर। आप कहां रहते हो, इंडिया में रहते हो तो इंडिया पर जाएंगे, एंटर मारेंगे। अब आपका स्टेट कौन सा है, तो भाई हमारा स्टेट महाराष्ट्र है तो हम महाराष्ट्र लिखेंगे, एंटर करेंगे। आपको अगर पिन कोड लिखना है तो आप अपना पिन कोड लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। अगर आपको टेलीफोन नंबर लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, फिर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर, अगर आपको मोबाइल नंबर लिखना है तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। ईमेल एड्रेस लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज रहने दीजिए। उसके बाद इनेबल ऑटो बैकअप। इनेबल ऑटो बैकअप का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने कंपनी में एंट्री करते हो तो ईआरपी में एक फैसिलिटी है कि अगर आप अपने कंपनी का बैकअप नहीं लेते हो तो इनेबल ऑटो बैकअप करने के बाद वो खुद ब खुद बैकअप ले लेता है, मतलब आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको बैकअप लेना है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। चलिए हम यस कर देते हैं। उसके बाद आपका करेंसी जो सिंबल है हमारा, जैसे इंडिया का पहले आरएस मतलब रुपीस सिंबल था, तो अभी करेंसी का सिंबल इस टाइप से है, तो अगर आपको इसको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, या तो फिर रहने दीजिए, एंटर। उसके बाद आपको क्या मेंटेन करना है, अकाउंट ओनली। अकाउंट ओनली मतलब सिर्फ अकाउंट मेंटेन करना है, भाई इससे पैसे आए इसको पैसे दिए, इससे पैसे आए इसको पैसे दिए, यही मेंटेन करना है, या इन्वेंटरी मतलब स्टॉक भी मेंटेन करना है। तो मुझे अकाउंट के साथ इन्वेंटरी मतलब स्टॉक भी मेंटेन करना है, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट विद इन्वेंटरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा आप यहां वो लिख सकते हो। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, जैसे 1/4 क्या है 2017, अभी हम 2017 से चालू है तो 2017, और बुक्स बिगिनिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आपने एंट्री कब से चालू की, तो भाई 1/4/2017 ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो आपकी बुक्स बिगिनिंग मतलब मैंने आज से बिजनेस शुरू किया है, तो आज की तारीख क्या है, आज की तारीख 14/6/2017, तो ये आज की तारीख है, एंटर करेंगे। ओके,
ये एजुकेशनल वर्जन है इसलिए ये क्या हो रहा है उतनी डेट नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं हम डेट सेम रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद टैली वैल्यू, टैली वैल्यू का मतलब क्या है, अगर आपको लगता है कि भाई आपके कंपनी का नाम किसी और को दिखना नहीं चाहिए तो उसके लिए आप टैली वैल्यू में आप पासवर्ड दे सकते हो। अगर आप टैली वैल्यू में पासवर्ड दोगे तो आपके कंपनी का नाम किसी और को दिखाई नहीं देगा, आपको पता होगा कि ये मेरी कंपनी है लेकिन किसी और को पता नहीं होगा, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एंटर करेंगे, अच्छा क्या आपको अपने कंपनी को अभी पासवर्ड देना है क्या, अगर देना है तो यस करेंगे, नहीं देना है तो नो। एंटर मार देंगे, नहीं देना है, एंटर 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 मार दीजिए, एक्सेप्ट करना है या आपको और कुछ चेंज करना है, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो नो कीजिए और वहां फिर से आप चेंज कर सकते हो, आपको लगता नहीं सारी चीजें ठीक है तो यस करेंगे। एंटर, तो ये आपकी कंपनी बन गई। आपकी कंपनी बनने के बाद देखिए यहां आपके कंपनी का नाम आया है, आपने अभी कोई एंट्री मारी हुई नहीं है इसलिए आपको यहाँ नो वाउचर एंट्री बता रहा है, यहाँ आपके कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बता रहा है 1/4/2017 से 31/3/2018 और आप आज की डेट में एंट्री मार रहे हो, मतलब 1/4/2017 ये आपकी आज की डेट है, समझ में आया। चलिए इस कंपनी को मुझे क्या करना है, बंद करना है, क्या करना है बंद करना है, तो कंपनी को बंद करने के लिए यहाँ देखिए एक दिया हुआ है शट कंपनी, तो आप यहाँ बटन पर प्रेस कर क्लिक कर सकते हो या फिर आप F1 की बटन अल्टर दबा के, यहाँ देखिए यहाँ भी F1 है यहाँ भी F1 है, ये सिंपल F1 और ये जो अंडरलाइन आपको दिखती है उसको अल्टर के साथ में प्रेस करना पड़ता है, अगर आप अल्टर F1 करोगे तो डायरेक्ट आप उस ऑप्शन को कर पाओगे, तो मैं अल्टर F1 या यहाँ क्लिक करता हूं, देखिए कंपनी बंद हो गई। चलिए अब हम फिर से आए कंपनी इंफॉर्मेशन में, कंपनी इन्फो में आएंगे, सिलेक्ट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी का मतलब क्या है कि भाई आपकी जो भी कंपनी है उसको मुझे ओपन करना है, सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, एंटर करेंगे, देखिए अल्फा कंप्यूटर नाम की आपकी कंपनी है जिसका नंबर क्या है 10000, ये आपके कंपनी का नंबर है और ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, अगर आपको इसको ओपन करना है तो एंटर मारिए और आप अपनी कंपनी को शुरू कर सकते, समझ में आया। चलिए ओके, फिर से हम इस कंपनी को बंद करते हैं, कंपनी को फिर से शट करेंगे, शट कंपनी, फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट एंटर प्रेस कीजिए, देखिए अब आपने जो कंपनी बनाई थी वो कहां सेव की थी आपने कंपनी, तो यहां देखिए आपको दिखता है कंपनी का नाम, मैंने c:tally.erp9/data में मैंने सेव किया था, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि भाई मेरी कंपनी जो है ये किसी दूसरे जगह पर सेव करनी है ताकि कोई उस कंपनी को डायरेक्ट ऐसे ओपन ना करे, कोई डिलीट ना कर दे, तो इसके लिए जब आप कंपनी बनाते हो तब आप अपनी कंपनी को क्या कर सकते हो, अलग जगह पर सेव भी कर सकते हो, तो वो कैसे करना मैं आपको समझा देता हूं। जब आप कंपनी बनाते हो तो क्रिएट कंपनी में जाएंगे, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये जो है डायरेक्टरी दिख रहा है यहां क्लिक कीजिए, अब आप यहां अपना अलग पाथ डाल सकते हो, मैंने काट दिया, अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरी जो कंपनी है वो डी में सेव हो, तो मैं यहां लिखूंगा d:backslash, मैंने लिखा d:backslash मतलब डी ड्राइव, और मैं अपने फोल्डर में सेव करना चाहता हूं, तो मेरा नाम उमेश है, मैं उमेश इस फोल्डर में सेव करना चाहता हूं, एंटर मारेंगे, मेरे कंपनी का नाम क्या है, तो मेरे कंपनी का नाम ABC है, एंटर, जो भी आपको देना है यहां से आप दे सकते हो, तो मैंने जो भी देना है दे दिया, ओके, एंटर 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 सेव, तो मैंने अपने कंपनी को क्रिएट किया ABC नाम की कंपनी और सेव का किया d:backslash मतलब डी ड्राइव में उमेश नाम के फोल्डर में। मैं एक काम करता हूं, अब इस कंपनी को फिर से बंद करता हूं, तो शट कंपनी करेंगे, अब मैं सिलेक्ट कंपनी से ओपन करता हूं, तो सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, अब मुझे कौन सी कंपनी ओपन करनी है, जो मैंने पहले बनाया था अल्फा नाम की, तो अल्फा कंपनी कहां है, यहां पाथ में हम जाएंगे, क्लिक करेंगे यहां, अब देखिए यहां क्लिक करने पर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप बैकस्पेस की बटन दबा सकते हो, बैकस्पेस की बटन दबाने से ये जो है इसको डिलीट कीजिए और यहां लिखिए आपकी कंपनी कहां थी पहले c:tally.erp9/data नाम के फोल्डर में थी, एंटर मारेंगे,
देखिए अल्फा कंप्यूटर नाम की कंपनी है, आपको इसको ओपन करना है, इसको ओपन कर सकते हैं, एंटर, तो आपकी अल्फा नाम की कंपनी शुरू होगी। मुझे ये ओपन नहीं करना है, मुझे जो एबीसी नाम का जो है कंपनी उसको ओपन करना है, तो इसको बंद करेंगे, अल्टर एफ वन, फिर से सिलेक्ट में जाएंगे। सिलेक्ट में जाने के बाद मुझे कौन सी कंपनी ओपन करना है, एबीसी, लेकिन एबीसी का है एबीसी, ये डी में उमेश नाम के फोल्डर में, तो क्या करेंगे, फिर से बैकस्पेस की बटन प्रेस करेंगे, ऊपर में आएंगे, यहां हम लिखेंगे डी कोलन बैकस्लैश और क्या नाम, उमेश, एंटर। देखिए उसमें एबीसी आ गई। तो इस तरह से आप अपने कंपनी को अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन पर आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। समझ में आया? चलिए अब हम फिर से आगे के ऑप्शन देखते हैं। इस कंपनी को ओपन रखते हैं, आगे के ऑप्शन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां कंपनी इन्फो आपको दिख रहा है, या क्लिक कीजिए या फिर अल्टर F3 बटन भी आप प्रेस कर सकते हो। तो अल्टर F3, कंपनी इन्फो आ गया, तो सिलेक्ट कंपनी हो गया हम लोगों का, शट कंपनी हो गया, क्रिएट कंपनी भी हो गया। मुझे लगता है कि भाई मुझे अपने कंपनी का नाम चेंज करना है, ये जो एबीसी नाम की कंपनी है इसका नाम चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे। कहां जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, किस कंपनी में चेंज करना है, एबीसी, एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए आपके कंपनी पूरी ओपन हो गई। अब आप अपने कंपनी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर या और कोई भी ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। तो मैं अपनी कंपनी का नाम चेंज करता हूं, मैं अपनी कंपनी का नाम उमेश देता हूं, उमेश पीवीटी प्राइवेट एलटीडी लिमिटेड, एंटर। एड्रेस देना है दही बाजार नागपुर, एंटर। ऑटो बैकअप शुरू करेंगे, यस। तो जो भी चेंज करना था मैंने चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, यस, हो गया। तो आप इस तरह से अपने कंपनी का क्या कर सकते हो, नाम, एड्रेस या जो भी चेंज करना है चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, अल्टर में जाना पड़ेगा, एस्केप मारेंगे, देखिए आपके कंपनी का नाम चेंज हो गया। अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये कंपनी जो है ये डिलीट करना है, मेरे काम की नहीं है, मुझे डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, फिर से हम अल्टर में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद जो आपकी कंपनी है उसको एंटर मारिए, मतलब ओपन कीजिए। अब मुझे ये कंपनी डिलीट करना है, किसी भी कंपनी को या किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए वहां अल्टर डी बटन आपको प्रेस करनी पड़ेगी, कीबोर्ड से अल्टर और डी की बटन प्रेस कीजिए। तो देखिए उसने बोला है क्या डिलीट करना है, अगर डिलीट करना है तो यस करेंगे, नहीं करना है तो नो करेंगे, मुझे नहीं करना है नो। समझ में आया, वापस आ गया, नहीं मुझे डिलीट करना है तो फिर से अल्टर डी बटन प्रेस कीजिए। उसने पूछा डिलीट करना है, जी हाँ यस करना है, तो यस पर क्लिक कीजिए या आप एंटर बटन भी प्रेस कर सकते हो। आर यू श्योर कि आपको सही में डिलीट करना है, हाँ सही में डिलीट करना है, यस करेंगे, तो इस तरह से आप अपनी कंपनी को डिलीट कर सकते हो। तो समझ में आया ये कैसे करना, अब बाकी का जो है हम बाद में पढ़ेंगे। इसको क्वाइट करना है, मतलब आपको टैली को बंद करना है, तो क्वाइट बटन पर एंटर मतलब बटन प्रेस कीजिए, क्लिक करेंगे, क्वाइट करना है, जी हाँ क्वाइट करना है, क्वाइट पर क्लिक करेंगे, क्वाइट यस, तो इस तरह से आप टैली को बंद कर सकते हो। तो समझ में आया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब बटन ये वीडियो के नीचे देखिए, वहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।